बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता की बयानबाजी को लेकर नाराजगी जताई है। बयानबाजी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वही खातेगांव विधायक आशीष शर्मा द्वारा बताया गया है कि कांग्रेस के नेताओं के समय समय पर इस तरह के बयान आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वह जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। कई जगह पर दंगे भड़कते हैं, उसमें कांग्रेस नेताओं के बयान जिम्मेदार माने जाते हैं। ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस की लगातार हार हो रही है जो वह पचा नहीं पा रहे हैं। उनका बयान देश को तोड़ने वाला बयान है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, श्रीलंका हो, उन देशों में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ भारत में निष्पक्ष न्यायपालिका है। हर 5 साल में मतदाता अपना विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, पंच सरपंच चुनते हैं, इसलिए भारत का सम्मान पूरी दुनिया में है। देखिए क्या कुछ कहा विधायक आशीष शर्मा ने। बयान है ये उसी तरह का बयान है जब सिख नरसंहार इस देश में हुआ था। कांग्रेस के नेता समय समय पर ऐसे बयान देते हैं जिसके कारण जनता उद्वेलित होती है या जिसके कारण यह संदेश जाता है कि वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहीं दंगा भड़काना हो, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में और भारत में कई जगहों पर दंगे होते हैं, उसमें कांग्रेस के नेताओं के बयान जिम्मेदार माने जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन हो या फिर अन्य कोई जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, जेएनयू में चल रहा आंदोलन हो या आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, कांग्रेस या किसान आंदोलन पर कांग्रेस का बर्ताव और रुख हो, ये सब बताते हैं कि वो किसी न किसी तरह से अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। वो हार जो 14 में हुई, वो हार जो 19 में हुई, वो हार जो 24 में हुई, इनके हाथ से राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया। इस कारण लगातार इतने चुनाव हारने के कारण इनके बड़े बड़े नेता जो अपने बड़बोलेपन के कारण जिनको जनता ने घर भेज दिया, वो इस तरह के बयान देना लगातार जारी रखे हुए हैं। ये इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। उनका बयान देश को तोड़ने वाला है। भारत का ये भी बोला कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ निर्मित हो गए, जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण जिन आधारों पर हुआ, जहाँ पर जितनी जातीय कट्टरता है, जहाँ आर्मी के हाथ में तख्ता पलट करने के कई सारे किस्से हम सुन चुके हैं, उन देशों में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में निष्पक्ष न्यायपालिका है, हमारी कार्यपालिका हो, हमारी व्यवस्थापिका हो, यहाँ के मतदाता 5 वर्ष में अपना विधायक चुनते हैं, अपना सांसद चुनते हैं, अपना पंच सरपंच चुनते हैं, और इसलिए भारत का सम्मान लोकतंत्र के कारण पूरी दुनिया में है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना तो उचित हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास कोई कच्ची झोपड़ी नहीं है जिसमें चाहे जो घुस जाएगा। प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, सेना मुख्यालय, ये कड़ी चौकसी में रहते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता में इतना आक्रोश है, भारत की जनता में कोई आक्रोश नहीं है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है, इसीलिए हमारी मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी और केंद्र में भी पुनः सरकार बनी। आक्रोश केवल कांग्रेस के नेताओं में है इस बात का कि उन्हें जनता ने फिर एक बार दिल्ली की कुर्सी से वंचित कर दिया। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, उसकी तुलना भारत से करके और इस तरह की घटना को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए ये उसी तरह की सोच है। अच्छा तो तब होता जब कांग्रेस के नेता बयान देते कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उनके प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है, हत्या की जा रही, मारकर भगाया जा रहा है, उसकी निंदा करते तो अच्छा लगता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश भारत में भी दोहराया जा सकता है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, यहाँ पर एक सक्षम सरकार है, कानून का राज है, और जो कोई भी ऐसी हिमाकत करने का प्रयास करेगा उसको जवाब दिया जाएगा।